कांग्रेस पार्टी ने कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन तेज कर दिया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री देश के किसानों की इज्जत नहीं करते और बार बार बातचीत के जरिए किसानों को थकाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल कुछ पूंजीपतियों के पास है। वहीं कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया और राजभवनों का घेराव किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में स्कीप अप फॉर किसान अधिकार हैशटैग से सोशल मीडिया अभियान भी चलाया है। जो तीन कानून है ये किसान को खत्म करने के कानून है। जिस दिन इस देश की फूड सिक्योरिटी चली जाएगी उस दिन देश की आजादी चली जाएगी। वो सोचते हैं कि किसानों में शक्ति नहीं है, वो सोचते हैं ये 10 दिन में 15 दिन में 20 दिन में चले जाएंगे, क्योंकि बेसिक जो रिस्पेक्ट होती है, बेसिक जो इज्जत होती है, नरेंद्र मोदी जी किसान की इज्जत नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर हमने इसको 10, 15, 20, 30 दिन यहाँ बैठा दिया ये भाग जाएगा, डर जाएगा, हट जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान नहीं डरेगा, नहीं हटेगा, वो बैठा रहेगा, भागना आपको पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी को समझ जाना चाहिए कि ये नहीं हटने वाले हैं, ये हिंदुस्तान है, ये पीछे नहीं हटता है, उनको पीछे हटना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये मीडिया क्रिएटेड माया है और ये माया टूटने वाली है, और जिस दिन ये माया टूटी फिर देखना क्या होता है।